नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सभी सोच रहे होंगे सर ने मास्क लगा लिया आज, तो कोरोना वायरस है भाई, फैला हुआ है, तो इसी जरिए एक संदेश आपको देना था कि भाई सुरक्षित रहिए, क्योंकि भारत में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर हमारे कानपुर में लगातार कोरोना के मामले सामने आते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में पूरी जगह पर एक डर व्याप्त है और इस डर में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथ लेकर चलनी है, इसलिए कोई कुछ भी कहे, हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ लेकर चल रहे हैं। तो फिलहाल आप सभी मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जितना दूर हो सकते हैं इन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। चलिए चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। आज तारीख है 10 जून और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके स्क्रीन पर है। विश्व आर्थिक मंच ने येल यूनिवर्सिटी के सहयोग से अभी हाल ही में EPI यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इस सूचकांक में भारत की जो दशा रही वो बहुत ही दयनीय रही। चलिए इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। EPI 2020 में भारत को 168वां स्थान मिला है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ने को तो पूरा पढ़ डालोगे, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो यही है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को इस साल कौन सा स्थान मिला। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वायु गुणवत्ता, किसी तरीके किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को संभालते हैं, साथ साथ आपका जो अपशिष्ट प्रबंधन होता है और भारी धातु और पेयजल के लिए आप किस तरीके से प्रबंधन करते हैं, इन सभी के ऊपर इस प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया जाता है। भारत अपनी पिछली रैंकिंग से तो थोड़ा सुधार हुआ है, 2018 में हम 177वें स्थान पे थे, लेकिन इस बार हम 168वें स्थान पर हैं। मात्र दुनिया के 11 देश, 180 देशों में यह सर्वे हुआ, मात्र दुनिया के केवल 11 देश ऐसे हैं जो हमसे पीछे हैं। बात करते हैं तो 180 देशों के जारी सूचकांक में डेनमार्क जो है वो सबसे पहले स्थान पर है, यानी कि उसका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन है, और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। सूचकांक में अमेरिका को 24वां और चीन को 120वां स्थान मिला है, जबकि लाइबेरिया दुनिया के सबसे अंतिम देशों में शामिल है, 180वें नंबर पर लाइबेरिया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक 2 साल में। इसे येल यूनिवर्सिटी के सहयोग से जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 11 विभिन्न श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इनमें वायु की गुणवत्ता, जल एवं स्वच्छता, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता, जंगलों की कटाई और अपशिष्ट उपचार भी शामिल है। तो इस तरीके से भारत किस तरीके से अपने पेयजल को सुरक्षित रखता है, किस तरीके से हम अपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको मैनेज करते हैं, इन सभी बातों के प्रयासों के ऊपर आधारित यह सूचकांक है। हद तो तब हो गई जब हमने देखा कि पड़ोसी देशों की जो स्थिति थी वो हमसे बेटर है, केवल अफगानिस्तान ही है हमसे बाद में आ रहा है, बाकी सभी देश जो है वो हमसे ऊपर है। और इस सूची में पर्यावरण से संबंधित किसी भी सूची में अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो उसमें भूटान हमेशा पहले नंबर पर आएगा, और इस सूची में भी भूटान पहले नंबर पर है। भूटान को 107वां स्थान मिला है। श्रीलंका 109वें स्थान पर है, उसके बाद मालदीव 127वें, फिर पाकिस्तान 142वें, नेपाल 145वें और बांग्लादेश 162वें स्थान पर है, जबकि खुद भारत 168 स्थान पर है। 2 पॉइंट यहां से निकल के आते हैं। ये सूचकांक हर 2 साल में जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से येल यूनिवर्सिटी इसे जारी करती है। भारत को इसमें 168वां स्थान मिला है, पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है, और 2018 में भारत का स्थान 177वां था। भारत सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से आगे है, पड़ोसी देशों की बात करें बाकी सब भारत से आगे हैं और भारत से अच्छा पर्यावरण प्रबंधन कर रहे हैं। अभी पर्यावरण दिवस मनाया ना हमने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया हमने, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, अभी भी हम लोग ने 5 जून को मनाया। इस बार की जो थीम रही है वो है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। अगली जानकारी तब चलते हैं। अगली जानकारी, अडानी ग्रुप का नाम सुना है आपने? जी हाँ, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर टेंडर हासिल की है। इससे बड़ी सोलर टेंडर आज तक जारी नहीं की गई और इस बार यह मिली है अडानी ग्रुप को। तो समूह यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 8000 मेगावाट के एक फोटोवोल्टेइक बिजली संयंत्र का निर्माण करेगा और लगभग $6 अरब के कुल निवेश के साथ 2000 मेगावाट की घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगा।
एजोर पावर ग्लोबल लिमिटेड ने 4000 मेगावाट की पीवी परियोजना यानी कि फोटोवोल्टेक परियोजना और 1000 मेगावाट की सौर किरण विनिर्माण क्षमता निर्माण करने के लिए राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि SECI से घरेलू विनिर्माण से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पेशकश के तहत एक बोली जीत ली है। तो हाल फिलहाल यहां पर दो टेंडर की बात हो रही है। अडानी ग्रुप को 8000 मेगावाट का टेंडर मिला है और 8000 मेगावाट का टेंडर है वो फोटोवोल्टेइक एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है, उसमें पूरा का पूरा वो सौर ऊर्जा द्वारा बिजली बनाएंगे। और जबकि उसके अलावा 2000 मेगावाट का घरेलू जो सौर पैनल प्रयोग होते हैं उनको बनाने के लिए फैक्ट्री स्थापित करना है। दूसरा जो मिला है वो एजोर पावर ग्लोबल लिमिटेड को मिला है, जिन्होंने 4000 मेगावाट और 1000 मेगावाट के सौर किट निर्माण क्षमता की बोली जीती है। बात करें तो विश्व के सबसे और ये जो परियोजनाएं हैं इसका माना जा रहा है कि ये गुजरात में लगाई जाएंगी, गुजरात के कच्छ में इनको लगाने जाने का प्लान है। अभी ये पूरी तरह से डिसाइड नहीं है कि ये पूरा एक ही जगह लगाया जाएगा कि कई जगह अलग अलग लगाया जाएगा। हाल फिलहाल इतना बड़ा यहां पर स्थापित करना है सोलर पैनल, सोलर बिजली संयंत्र, उसके लिए अडानी ग्रुप ने ये बोली जीत ली है। अभी तक पूरे विश्व में इतनी बड़ी सोलर पैनल के लिए या इतने बड़े सोलर संयंत्र के लिए इतनी बड़ी बोली आज तक कभी नहीं लगाई गई है और इस बार ये अडानी ग्रुप को ये बोली मिली है। सोलर पैनल की बात, सोलर बिजली संयंत्र की बात करें तो विश्व में कई बड़े बड़े सोलर आपके पावर प्लांट हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ये 2020 का आंकड़ा है, जनवरी 2020 का, अगर उसके बाद कुछ हुआ होगा तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जनवरी 2020 तक टिंजर डेजर्ट सोलर पार्क ये चाइना का है, 1547 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, ये कार्य कर रहा है। अगला शिवियान फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट UAE, ये 1177 मेगावाट का है। यांची निंगसिया सोलर पार्क चाइना का ये 1000 मेगावाट है। शुरू के तीन याद रखिए, फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो वर्किंग कंडीशन में है वो कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इंडिया का है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। कुरनूल कहां है? आंध्र प्रदेश में। आपको पता है आंध्र प्रदेश तीन राजधानी बनाने वाला है, उनमें से कुरनूल भी एक होने वाली है। इसके अलावा इंडिया में एक और है कुमुथी या कमुथी सोलर पावर प्लांट तमिलनाडु में, यह 648 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाला पावर प्लांट है। यह जरूर आपको पता होना चाहिए कि इसका सबसे बड़ा पावर प्लांट चाइना में है, उसका नाम है टेंजर डेजर्ट सोलर पार्क। अगली जानकारी भी बिजली से जुड़ी हुई है। भारत और डेनमार्क के बीच में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, इसके बाद एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और किस तरीके से आपस में बिजली संयंत्र को स्थापित करना और उसके लिए किस तरीके से टेंडर वगैरह जारी करना है ये उसके बाद डिसाइड होगा। तो हाल फिलहाल भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो MOU पर आगे काम करेगा। यानी अभी क्या होना है क्या नहीं होना है, शीर्ष स्तर पर बैठक हो गई है कि भाई बिजली के लिए कुछ आपस में सहमति पत्र कर लेते हैं, तो वो हो गया है। लेकिन अभी एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड गठित किया जाएगा जो इसके बारे में बातचीत करेगा। बयान के अनुसार बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा उपयोगी सेवाओं और जलवायु मामलों के मंत्रालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर 5 जून 2020 को किए गए। सहमति पत्र पर भारत की तरफ से बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की तरफ से डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का जो मकसद है वो दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि भारत इधर डेनमार्क उधर यूरोप साइड, चलिए देख लेते हैं डेनमार्क कहां पर है और थोड़ा क्लियर होगा। अपन थोड़ा समझते हैं, पहले आपको इधर लेके आते हैं भाई, ये एशिया है, मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरबी, आप थोड़ा सा और नीचे निकल के आओगे तो इंडिया मिलेगा। ये आपका इधर डेनमार्क है, डेनमार्क के ऊपर चले जाएंगे तो आपको स्वीडन मिलेगा, ये येलो कलर वाला डेनमार्क है, नीचे आपको जर्मनी मिलता है, ये भी आपका जर्मनी है। तो अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट जर्मनी का है, ऊपर आपको स्वीडन मिल जाएगा, ये यूरोप इंग्लैंड वगैरह शुरू हो जाता है, फिर ये आपका इंग्लैंड रहा। तो इसमें बिजली समझौते पर हस्ताक्षर करने जैसा क्या रहा? बिजली तो नहीं दे पाएंगे इतनी दूर तक जी, बिजली देने की बात नहीं। बिजली उत्पादन में जिन संयंत्रों की स्थापना होती है, जिन तरीकों की स्थापना होती है, जिस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होगा। हम जिस तरीके से बिजली का उत्पादन करते हैं और जिस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें कई सारे लॉसेस आते हैं। हम पता लग बनाते तो हैं 400 मेगावाट, बटने के लिए बचती है 200 मेगावाट, 200 मेगावाट हवा में उड़ जाती है, लॉस हो जाती है।
तो इस तरह की चीजों ना हो, इस तरह की चीज ना हो, तो इस तरह से अच्छी तरीके से इसको डेवलप करने के लिए डेनमार्क का सहारा लिया जा रहा है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी चलती है डेनिश क्रोन, प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन या मेटे फ्रेडरिक्सन भी कह सकते हैं आप, मेटे फ्रेडरिक्सन। हाल फिलहाल डेनमार्क के अलावा एक डेनमार्क स्ट्रेट भी है, उसे कंफ्यूज मत होइएगा। डेनमार्क स्ट्रेट जो है ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है ये डेनमार्क आइसलैंड, डेनमार्क स्ट्रेट। अगर मैं आपको दिखाऊं ये रही दिख रही, ये ग्रीनलैंड है और ये नीचे आपका आइसलैंड है, उसके बीच में आपका डेनमार्क स्ट्रेट होगा, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली ये है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डेनमार्क स्ट्रेट अलग है और डेनमार्क कंट्री अलग है। अगली जानकारी है कैंसर या ट्यूमर। आप सभी को पता है कि ट्यूमर में भी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है और जब वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो वो कैंसर का ही रूप ले लेती है। तो ट्यूमर के उपचार में हो या कैंसर के उपचार में हो, कीमोथेरेपी एक कारगर उपाय माना गया है और ऐसा माना गया है कि कीमोथेरेपी करने के बाद व्यक्ति के अंदर उस तरह के कैंसर की रोकथाम की जा सकती है, कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन कीमोथेरेपी एक जटिल प्रक्रिया है, इसका बहुत आसान भाषा में बोलूं, ऐसे तो बहुत जटिल है, मेडिकल लाइन पे चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी, लेकिन आसान भाषा में कीमोथेरेपी का मतलब ये होता है कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को रोकना, और जो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कर रही है या कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि करने के लिए काम कर रही है उसको टेम्परेचर बढ़ाकर, उसको गर्मी देकर खत्म कर देना। ऐसे में शरीर को 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर दिया जाता है, लेकिन समस्या यह है कि इस 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मान लीजिए यहां पर देना है, पेट के आसपास कहीं इस किसी हिस्से में देना, तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जो पर्टिकुलर केवल उसी जगह हीट दे सके और केवल उसी कोशिका के ऊपर काम कर सके जिसके ऊपर काम करना है, जिसकी वजह से जो भी स्वस्थ कोशिकाएं मनुष्य की होती थी वो भी नष्ट हो जाती थी और कीमोथेरेपी जो है वो बड़ा महंगा उपचार हो जाता था। लेकिन हाल फिलहाल आरकाई ARCI यानी कि एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक दुर्लभ मटेरियल ढूंढ निकाला है। इस मटेरियल की खासियत यह है कि यह मैग्नेटोक्लोरिक है। मैग्नेटोक्लोरिक क्या होता है? मैग्नेटोक्लोरिक वो मटेरियल होते हैं कि अगर आप उनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें तो उनमें हीटिंग उत्पन्न हो जाती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं उनकी हीटिंग कम हो जाती है, वो शीतलन यानी वो ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस तरह के पदार्थ का चूर्ण बनाया जाएगा और उसको कैंसर और ट्यूमर जैसे बड़े बड़े जिसमें जहां पर एक आपको नियंत्रित हीटिंग की आवश्यकता होती है, एक नियंत्रित गर्मी देने की आवश्यकता होती है, 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी वॉट एवर आपको रिक्वायरमेंट हो उसको करने के लिए यहां पर इस दुर्लभ मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको डेवलप किसने किया है? इसको किया है एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो धातु शोधन और नई सामग्री के लिए अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री तैयार की है। एक नया वर्ड आपके सामने आ गया है, मैग्नेटोक्लोरिक। मैग्नेटोक्लोरिक मटेरियल क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो हीट उत्पन्न होगी, हटा लेंगे तो शीतलन उत्पन्न होगा, ठंडे हो जाएंगे, जिसे कैंसर के उपचार के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा। बस इतना ही याद रखिए, किसने किया है? कि अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र यानी कि एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया ऐसा होगा, एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल ARCI, ये पुणे में स्थित है। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है इंडियन एयरफोर्स ने, ये न्यूज पहले भी आई थी, अर्पित बनाया है। अर्पित क्या होता है? अर्पित का फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को आराम से कैरी किया जा सकेगा, COVID-19 के दौरान अगर वो कहीं पर फंसे हुए हैं तो उनको वहां से उपचार के लिए आराम से निकाला जा सकेगा। इसका फुल फॉर्म इन्होंने अर्पित रख दिया है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का डिजाइन किया गया है और उसका निर्माण भी किया गया है। यह पॉड ऊंचाई वाले क्षेत्रों,
अलग अलग स्थानों तथा दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड 19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। इस सिस्टम को एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है ताकि ये बहुत हल्का रहे, इसको उठाने और ले जाने में आसानी रहे। अर्पिक का डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। इंडियन एयर फोर्स के यानी कि भारतीय वायुसेना के हेड कौन है, मुखिया कौन है वर्तमान समय, वो है एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया यानी कि आरकेएस भदौरिया। इनको याद रखिएगा, जिन्होंने आपके बीएस धनोवा की जगह ली है। अगली जानकारी आंध्र प्रदेश से, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट को शुभारंभ किया गया। जी क्या कर रहा है, पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट शुभारंभ करते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कहीं पर ये वेस्ट के लिए, हमारे कानपुर में भी इस तरह का शुरू हुआ था कि कूड़ा डालो आपको दूध की बोतल मिलेगी, इस तरह का कुछ था। तो इसी तरह का एक वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट बनाया कि अगर आपके पास कूड़ा है तो आप हमें दीजिए, हम उसके बदले आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो हाल फिलहाल इस वेबसाइट को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। इसी के साथ आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, इसमें पहला राज्य बन गया कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला कि कचरा आप बदल सकते हैं डिग्रेडेबल मटेरियल के हिसाब से। सरकार राज्य सरकार इस मंच के जरिए जहरीले कचरे के 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच और कचरे के ऑडिट को कवर करके पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित प्रदान करना चाहती है। आंध्र प्रदेश सरकार इस प्लेटफॉर्म से 6R का प्रयोग कर रही है। एक का मतलब है रिड्यूस, रिफर्बिश, रीयूज, रिसाइकिल, रीडिजाइन एंड री मैन्युफैक्चर। रिड्यूस का मतलब कम करना, रिफर्बिश मतलब दोबारा से उसको किसी और धातु में बदलना या किसी और चीज में बदलना, रीयूज उसको पुनः प्रयोग करना, रिसाइकिल का मतलब भी उसको फिर से बनाना किसी काम के लिए, रीडिजाइन मतलब उसको एक नए डिजाइन में ढाल देना। जैसा भी हो, अगर आप रीडिजाइन कर सकते हैं रीडिजाइन कर लीजिए, रिसाइकिल कर सकते हैं रिसाइकिल कर लिए, रीयूज कर सकते हैं रीयूज कर लिया जाएगा, रिफर्बिश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट शुरू की है और ये शुरू करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। क्योंकि आंध्र प्रदेश की बात छिड़ी है तो कुछ जानकारी आपको दे देता हूं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अभी हाल ही में प्रपोजल दिया कि वो 3 राजधानी बनाएंगे। उन राजधानियों का नाम होगा विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। जहां पे अमरावती जो होगी ये आपकी लेजिस्लेटिव होगी, विशाखापट्टनम आपकी एग्जीक्यूटिव होगी, जबकि कुर्नूल जो होगी वो आपकी जुडिशरी होगी यानी कि न्यायिक होगी। सीएम जगमोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में वाईएसआर आरोग्य श्री स्कीम शुरू की थी ताकि जो भी गरीब लोग हों उनको फ्री में इलाज मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा 6,318 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की ताकि वो महिलाएं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और उनका पूरा भार उन पर ही है, वो आराम से इस योजना के जरिए अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए और उनके स्कूल के खर्च को वहन कर पाए। पहली बार विदाग यानी कि विशाखापट्टनम ने 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021 अमरावती में मनाया या अमरावती में उसका उद्घाटन करवाया था। तो 14वां वैश्विक स्वास्थ्य लाभ जो समिट था या स्वास्थ्य सम्मेलन था, स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन था, वो आपका कहां हुआ, वो पहली बार आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में पहली देश की पहली फ्रूट ट्रेन चलाई थी, बनाना को ट्रांसफर किया था। वाईएसआर पेंशन कनका एक योजना है जिसमें लोगों को पेंशन दी जा रही है ताकि, और ये पेंशन उनके घर के दरवाजे तक उनके अधिकारी पहुंचेंगे और ये पेंशन प्रदान करेंगे। साथ इसमें एक बड़ी बात थी कि जो 65 वर्ष तक होती थी उसको 60 वर्ष कर दिया है, पेंशन की जो एज होती थी उसको 65 से 60 वर्ष कर दिया है। जगनमोहन रेड्डी जी ने अभी हाल ही में नाडू नेडू नाम की एक स्कीम शुरू की थी ताकि जो उनके हॉस्पिटल है उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जा सके। अच्छा, हिंदी वाले परेशान ना होंगे, इसके बाद वाली स्लाइड हिंदी में ही है, पीडीएफ में आप पढ़ लेंगे। अभी रेड्डी जी ने एक और इनॉग्रेट किया था कि आंध्र प्रदेश पहला दिशा पुलिस स्टेशन बनाने वाला या दिशा कानून लागू करने वाला राज्य भी जो है वो आंध्र प्रदेश ही है, क्योंकि आपके हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ था, तो उसके बाद दिशा पुलिस स्टेशन और दिशा कानून की बात आई थी सामने, जिसमें आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य है जिसने ये शुरू किया था। आंध्र प्रदेश जो है वो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन पोषण अभियान जो शुरू हुआ है उसके ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। आंध्र प्रदेश सीएम ने अभी लॉन्च किया था निगाह ऐप, जो इलेक्टोरल जो भी होती हैं यानी कि जो चुनाव के समय उल्टी सीधी हरकतें होती हैं कि मतलब मत पेटी वगैरह उठा ले जाते हैं या फर्जी वोटिंग कर देते हैं, तो इसको बचाने के लिए निगाह नाम का जो ऐप था वो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया था।
25 लाख गरीबों को आंध्र प्रदेश ने अभी घर देने का वायदा किया है, और ये जो योजना रही उसका नाम रहा नवरत्नालु पैदलांदर की इल्लू प्रोग्राम। ये आंध्र प्रदेश का प्रोग्राम है जिसके जरिए 25 लाख लोगों को जमीन दी जाएगी ताकि वो अपना घर बना सकेंगे। चीफ मिनिस्टर है यदुगुरी संदनीति जगमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर, स्टेट एनिमल ब्लैक बक यानी काला हिरन, और स्टेट ट्री है नीम का पेड़। ये हिंदी वालों के लिए, बाकी ये पूरा जो अभी मैंने पढ़ा वो हिंदी में है। यहां पर अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है, और वहां की जो प्रधानमंत्री हैं आपकी एंडरसन जी, उन्होंने बताया कि जब उनको ये न्यूज मिली कि न्यूजीलैंड पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है तो वो खुशी से नाच पड़े। तो न्यूजीलैंड ने अपने अंतिम कोरोना वायरस रोगी की रिकवरी के बाद 8 जून 2020 को खुद को कोविड मुक्त घोषित कर दिया है। इसके साथ राष्ट्र में वायरस को शामिल करने के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया, और उसके बाद से सोशल डिस्टेंसिंग भी शामिल थी, यानी अब वहां पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हाँ, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा एडर्सन ने घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें थोड़ा नाच भी किया या थोड़ा सा नृत्य किया जब उन्हें बताया गया कि राष्ट्र के आसपास कोई भी सक्रिय कोविड 19 पेशेंट नहीं रहा। एंडरसन ने उन्हें कहा कि उन्हें विश्वास था कि राष्ट्र ने वायरस के प्रसारण को अब समाप्त कर दिया है, और अब पिछले 17 दिन से न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी कोरोना का मामला नहीं आया। वैसे न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 55 लाख है, और उसमें 1154 कोरोना केस आए थे, जिसमें से 75 जो है मौतें जो थी उसमें पुष्टि की गई थी कि लगभग 75 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद पिछले 17 दिनों से वहां पर कोई भी कोरोना का पेशेंट नजर नहीं आया है। अगली जानकारी तक चलते हैं। 100% एडमिशन फ्री हो गया, कहां पर? असम सरकार ने, बढ़िया योजना है। इस साल जो लोग भी एडमिशन लेंगे वो हायर सेकेंडरी से लेकर किसी भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इस साल का उनका जो फीस है वो माफ हो गया है। तो असम सरकार ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के सभी प्रवेशों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। वर्तमान कोविड 19 परिदृश्य पर विचार करके निर्णय लिया गया है, और यह परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। इसकी घोषणा असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने 7 जून 2020 को किया था। अब बारी है असम के न्यूज के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की। तो माघ बिहू जो फेस्टिवल है वो आपका असम में मनाया जाता है, सभी जानते हैं। अभी हाल ही में एनडीएफई यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर बोडो, अभी वहां पर बोडो समझौता हुआ जिसके पहले उन्होंने एनडीएफई यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडो को, फ्रंट ऑफ बोडो को उन्होंने इलीगल घोषित कर दिया था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने। पहली बार लॉन बॉल्स और साइकिलिंग को, जो कि आपका तीसरा खेलो इंडिया गेम्स हुए थे असम के गुवाहाटी में, पहली बार उसमें लॉन बॉल और साइकिलिंग को शामिल किया गया था। तीसरे खेलो इंडिया गेम कहां हुए थे? असम के गुवाहाटी में। असम के एक प्रसिद्ध भाषाविद थे गोलोक चंद्र गोस्वामी असम के एक असमिया भाषा के एक प्रसिद्ध भाषाविद थे, जिनका भी हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। असम जल शक्ति मिशन और एनडीआरएफ ने, यानी कि असम, आपको पता है असम की झांकी को इस बार जो आपका 71वां गणतंत्र दिवस हुआ उसमें पहली झांकी यानी सबसे सुंदर झांकी के रूप में पुरस्कार दिया गया था, बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला था। इसके अलावा जल शक्ति मिशन और एनडीआरएफ को यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स को इस बार 71वें रिपब्लिक परेड पर यानी कि 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। इंडिया जो है वो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020, जिसका स्लोगन रहेगा किक ऑफ द ड्रीम, नवंबर में इसको ऑर्गेनाइज करने वाला था। तो हाल फिलहाल इसमें असम भी शामिल था, जहां 5 शहरों में या 5 राज्यों में इसका आयोजन होने था, उसमें से एक असम भी था, गुजरात भी उसमें से एक है। असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी को अभी हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो इस राजनीति के लिए दिया जाता है ये अवार्ड, और उन्हें स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। जादव पेंग का नाम सुना होगा, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्हें कर्मयोगी पुरस्कार दिया गया, क्योंकि पिछले 30 साल से लगातार वो वनीकरण में जुटे हुए हैं और लगातार पेड़ पौधे लगाते चले जा रहे हैं। और इनको अभी हाल ही में असम के हैं ये, इनको 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड भी दिया गया है, जबकि भारत सरकार की तरफ से इनको कर्मयोगी अवार्ड दिया गया था। असम सरकार ने अभी हाल ही में दवाइयों की डिलीवरी के लिए एक स्कीम शुरू की थी, धनवंतरी,
तो धनवंतरी दवाइयों की डिलीवरी के लिए, यानी कि जो भी मेडिसिन है कोविड 19 के दौरान जो मेडिसिन है उनकी डिलीवरी रुक ना जाए, उसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की थी धनवंतरी, तो ये असम से संबंधित है, ये भी आप याद रखिए। कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्वानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, और एक स्पेशल है नारंगी नेशनल पार्क, कहां पर है नारंगी नेशनल पार्क भी आपका असम में है। रिवर्स की बात करें तो धानसिरी रिवर का अगर आप कभी नाम सुने तो असम ध्यान में आना चाहिए, कोपली और सुबनसिरी नदी का भी अगर नाम सुने तो अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए। अब बारी है अगली जानकारी की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड ने अपनी राजधानी को देहरादून से औपचारिक जो राजधानी उसको बदलने की बात की थी, तो हाल फिलहाल ये ऑफिशियली भी हो गया है कि चमोली जिले में गैरसैंण को औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के लिए गवर्नर बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद घोषणा की गई थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा से पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की संभावना है, और गैरसैंण चमोली जिले का एक तहसील है जो देहरादून की मौजूदा स्थायी राजधानी से लगभग 270 किलोमीटर दूर स्थित है। तो गैरसैंण को राजधानी घोषित किया है उत्तराखंड ने ग्रीष्मकालीन राजधानी। अगली जानकारी है, पाकिस्तान ने बताया कि भाई 2020 में दुनिया में जो सबसे महंगा रहा वो पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान में घरेलू कोविड 19 के दौरान घरेलू चीजों के जो दाम थे वो भी आसमान को छूने लगे थे। ऐसे में पाकिस्तान के जो बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है वहां का, तो उसने क्या किया, उसने नीतिगत दरों को बढ़ाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मामला उल्टा पड़ गया, लोगों ने लोन लिया ही नहीं और इस तरीके से महंगे कर्ज लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां महंगाई और ज्यादा आसमान छूने लगी। देखिए महंगाई क्यों बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है हमेशा डिमांड बढ़ने से। मेरे पास एक पेन है, लेने वाले 10 हैं, मेरी मर्जी होगी मैं जितने में बेचूं, 10 का लेना हो तो लो, 100 का लेना हो तो लो, 50 का लेना हो तो लो, लेकिन कोई इसको खरीद नहीं रहा। तब मैं क्या करता हूं, तब मैं कहता हूं यार ये पेन आप चलो 10 में ले लेना, अरे नहीं वो आप बोलोगे नहीं चाहिए, अच्छा 2 में ले लेना। तो ध्यान रखिए जब डिमांड बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ रोजमर्रा की चीजों की कमी हुई जिसकी वजह से महंगाई जो है वो आसमान छू गई, और इसमें जो आंकड़ा प्रदर्शित किया गया है उसमें लगभग 14.6% तक पहुंच गई। तो दुनिया में सबसे महंगाई जो सबसे ज्यादा महंगाई कुछ है तो वो पाकिस्तान है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया जो है वो लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रहा था। तो खुद उनके बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की थी कि 2020 में दुनिया की सबसे ज्यादा महंगाई जो मिली वो पाकिस्तान में देखने को मिली। जियो लगातार पैसा बटोर रहा है, पैसा बटोर क्या रहा है, मतलब पैसा इन्वेस्ट करा रहा है, और लगातार वो अपनी जो भी एसेट है उनको कैश के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा जो वजह है, मुकेश अंबानी का भी कमेंट आया था कुछ समय पहले, मुझे लग रहा है 2 महीने पहले, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बच्चों ने जियो शुरू नहीं किया होता तो रिलायंस जाने कब का खत्म हो गया होता, या जियो जाने कब का खत्म हो गया होता। तो जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन के उभरी है, और इसका सबसे बड़ा जो रीजन रहा वो इस तरह का कि जियो ने जो मार्केटिंग की है अपनी उसमें किसी भी और कंपनी को आगे टिकने नहीं दिया, और लगभग 1 या 2 साल तक उन्होंने फ्री डेटा भी उपलब्ध लोगों को कराया। अब इसी बात पे जियो जो है वो लगातार इन्वेस्टर्स को बटोरता चला जा रहा है, और उसका जो शुद्ध ऋण है यानी उनका जो लोन है 1.61 लाख करोड़, उस टाइम जियो के ऊपर जो लोन है वो 1.61 लाख करोड़ रुपए है, और 2021 तक वो चाहते हैं कि हर हाल में इसे शून्य पर लाना है, यानी कि जियो शायद पहली ऐसी कंपनी होगी जो बिना लोन के काम कर रही होगी। तो रिलायंस जियो ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA के साथ एक निवेश सौदा किया है। यह निवेश सौदा 5,683 करोड़ रुपए का है, जिसकी वजह से 1.16% हिस्सेदारी जियो में ADIA को मिली है। यह सौदा अबू धाबी स्थित मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा जियो के विभिन्न प्लेटफॉर्म में 1.85% हिस्सेदारी लेने के 3 दिन बाद हुआ है, यानी कि कुछ दिन पहले ही अबू धाबी की एक और कंपनी थी मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी, उन्होंने भी जियो में 1.85% हिस्सेदारी खरीदी है। पिछले 7 हफ्तों में रिलायंस जियो में इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने वाला AIDA 7वां निवेशक है। सबसे पहले फेसबुक, फिर जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, KKR और मुबाडाला जैसे निवेशकों से निवेश के बाद ADIA के इस निवेश से जियो प्लेटफॉर्म के पास कुल 97,885 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, यानी अब वो अपने लोन से बहुत कम दूरी पर है। फिलहाल ADIA ने पहले LIC हाउसिंग, ICICI बैंक, जिंदल स्टेनलेस, एस्कॉर्ट, LT और इंफोसिस सहित विभिन्न भारतीय कंपनियों में ऑलरेडी निवेश किया हुआ है। तो हाल फिलहाल अबू धाबी की इन्वेस्ट अथॉरिटी यानी कि ADIA ने निवेश किया।
चीन के खिलाफ 8 देशों ने एक संगठन बनाया है, 8 देशों के जो कानूनविद हैं यानी कि जो लॉ जानने वाले लोग हैं उन्होंने एक संगठन बनाया है और अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन को नाम दिया है। तो अमेरिका और ब्रिटेन सहित 8 देशों के वरिष्ठ सांसद चीन के खिलाफ एक नया अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन यानी कि IPAC बना रहे हैं, जिसे इंटरनेशनल पार्लियामेंटरी अलायंस कहा जाएगा। इस गठबंधन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में मानवाधिकारों और सुरक्षा के लिए चीन से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना है। सभी को यह समझ में आ रहा है कि चीन जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा है, जिस तरीके से वो सभी छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर उनको कर्ज में फांस रहा है, उनको उनकी जमीनों को हड़प रहा है, ऐसे में एक समय ऐसा आएगा जब चीन अपनी साम्राज्यवादी नीति का अच्छे तरीके से विस्तार कर चुका होगा। तो इसका मुकाबला करने के लिए 8 देशों का एक संगठन सामने आया है जिसका नाम रखा गया है IPAC यानी कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। इन सांसदों का लक्ष्य चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के खिलाफ, खासतौर पर इसके COVID-19 महामारी से निपटने के तौर तरीके और हांगकांग में इसके क्रियाकलापों के प्रति विश्व की स्थिति को मजबूत बनाना है कि ऐसा ना हो कि चाइना अपनी चाल चलता रहे और हम उसकी चाल में फंस जाए। तो इसके लिए इन 8 देशों में कौन कौन शामिल है? इन 8 देशों में शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन। IPAC के सदस्य 2 अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो, इंपॉर्टेंट है, मार्को रूबियो और रॉबर्ट मेनेंडेज शामिल है, जिन्होंने 2019 में एक बिल पेश किया था, इसमें उइगर मुसलमानों के प्रति चीन का जो अत्याचार है उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए आह्वान किया गया था। इस साल अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा इस बिल को संशोधित रूप में पारित किया गया है। IPAC क्या है? IPAC विभिन्न सांसदों का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस पार्टी गठबंधन है जो इस सुधार के एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं कि लोकतांत्रिक देश चीन के साथ कैसे निपट सकते हैं। IPAC गठबंधन का यह मानना है कि चीन की आर्थिक उत्थान व्यवस्थित रूप से वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था पर गंभीर दबाव डाल रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो चाइना के दबाव में आ रही हैं। तो हाल फिलहाल इसमें भारत नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन। IPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, फटाफट से देखते हैं आज के हमारे क्विज वन लाइनर। सॉरी, किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? तो वो है गैरसैंण। हाल ही में किस राष्ट्र ने खुद को COVID-19 के वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है? तो वो है न्यूजीलैंड। भारत ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है डेनमार्क। किसने स्वदेशी रूप से अर्पित एयरबोन रेस्क्यू पॉड विकसित किया है? तो IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है, इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? 168वीं। धातु शोधन व नई सामग्री के लिए ARCI यानी कि एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री तैयार की है जिसे कैंसर के उपचार के लिए प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों के वरिष्ठ सांसद चीन के खिलाफ एक नया अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन तैयार करने के मिलकर आ गया है? तो वो है 8 लोग। दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली किसने हासिल की है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य है? आपका आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर सभी प्रवेशों पर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है? तो वो है असम। किस देश में महंगाई दर साल 2020 के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा रही? तो वो है पाकिस्तान। संयुक्त अरब अमीरात स्थित ADIA ने जियो के विभिन्न प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? तो 1.16%। अब बारी है आज के क्विज की। किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो वह है गैरसैंण। ऑप्शन हम ही बना देते हैं, यहां पर नहीं है। हाल ही में किस राष्ट्र ने खुद को कोविड वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो वो है न्यूजीलैंड। बाद में हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क के साथ। किसने स्वदेशी रूप में अर्पित एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड विकसित किया है? तो वो है आपका IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 168वां स्थान मिला है भारत को। धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए ARCI के वैज्ञानिकों ने एक मैग्नेटोक्लोरिक मटेरियल तैयार किया है। ARCI एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली किसने हासिल की है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बना है? तो वो है आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के सभी प्रवेशों को शैक्षणिक वर्ष 2021 के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है? तो वो है असम। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों के वरिष्ठ सांसद चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए हैं? तो वो 8 देशों के सांसद आए हैं, उन्होंने आईपैक बनाया है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित एडीआई ने जियो के विभिन्न प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो 1.16%। किस देश में महंगाई दर साल 2020 के दौरान दुनिया में सबसे अधिक रही? तो वो है पाकिस्तान। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, बाय बाय।